भारत के बिहार राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला जिससे लखीसराय यानी प्राचीन काल में लक्ष्मीपुर जो कि भगवान विष्णु की पत्नी है के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही लखीसराय बिहार राज्य के दक्षिण मध्य का भाग है। इसका भूगोल कई विविधता से घिरा हुआ। इसका कुल क्षेत्रफल 1237 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कई छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं जो अपने में बहुत ही खास हैं। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ का लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है। लिट्टी चोखा बिहार का, पूरे बिहार का बहुत ही खास व्यंजन है, जिसमें ये लखीसराय में भी बड़े चाव से खाया जाता है। गेहूँ से बनता है ये, जिसमें सत्तू गेहूँ की बॉल में भरा जाता है और कई तरह के मसाले से भरवन तैयार किया जाता है। इसके साथ ही बैंगन के भरते के साथ इसे खाया जाता है। यहीं पर सत्तू का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है और कई तरह के मसाले भुने हुए चने के आटे के साथ तैयार किया जाता है, जिसे नाश्ते में दही के साथ और अचार के साथ परोसा जाता है। साथ ही यहाँ पर घुघनी एक प्रसिद्ध व्यंजन है। घुघनी चने की सब्जी है, जो बिहार एक काले चने की सब्जी है और पूरे बिहार के कई हिस्से में बनाई जाती है। सूखे मटर और काले चने से तैयार किया जाता है। इसमें तड़का लगाया जाता है, छोटी छोटी पूरियों और रोटियों के साथ इसे खाया जाता है। कभी कभी चाट के रूप में भी इसे परोस दिया जाता है। साथ ही चूड़ा दही यानी कि पोहा के साथ दही मिलाकर लखीसराय में खाया जाता है। इसमें चीनी या गुड़ डाला जाता है। ये एक पारंपरिक व्यंजन है जो यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ खाजा, दही पूरी, पीठा, कड़ी बाड़ी, परवल की मिठाई, ठेकुआ। ठेकुआ तो यहाँ की शान है जो कि छठ पूजा के दौरान खास तौर पे बनाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ की मुख्य भाषा की बात की जाए तो भोजपुरी बड़े पैमाने पे बोली जाती है। यहाँ की मिथिला की पेंटिंग मधुबनी कला के नाम से प्रसिद्ध है, जो यहाँ भी अपने हस्तशिल्प के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कई तरह के मेले भी लगते हैं, जिसमें छठ पूजा, दिवाली, मकर संक्रांति के टाइम में भी कई कई जगह पर मेला लगता है। ये त्यौहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पर अशोक धाम का मेला लगता है, जो अपने आप में काफी अद्भुत मेला होता है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ आते हैं तो कुछ खास जगहों का मिस मत कर दीजिएगा। नंबर 1 पे आता है अशोकेश्वर धाम। अशोकेश्वर धाम ये लखीसराय का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु शिवरात्रि और सावन के महीने में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला जो स्थान, इसे श्रवणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। श्रवणागिरी पर्वत ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। श्रवणगिरी पर्वत श्रवण कुमार की कथा से जुड़ा हुआ है। ये पर्वत प्रत्येक दिवस काफी सुंदरता बिखेरता है, जो प्राकृतिक दृश्य से घिरा हुआ है और यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी स्थल है। अगला जो स्थान है, इसे जैन मंदिर लखीसराय के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर जैन मंदिर है, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये मंदिर अपनी वास्तुकला, धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ के वातावरण को और भी शांति प्रिय बना देती हैं। 2011 के हिसाब से लखीसराय की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 10,912 है। लखीसराय में जनसंख्या का 95.55% हिंदू धर्म का है। जिले में जनसंख्या घनत्व 815 निवासी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 2110 वर्ग मील है। लखीसराय में प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए 902 महिलाओं का लिंगानुपात है। साक्षरता 62.42% की दर से यहाँ मौजूद है।